हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो पढ़ेंगे जैन दर्शन, इसकी वीडियो शूट करने के लिए मैं गई थी दमन, लेकिन दमन में इतनी भीड़ थी कि मुझे बिल्कुल वीडियो शूटिंग में मजा नहीं आया। तो फाइनली अब मैं दमन पे सब साइट सीन वगैरह करके घर पे आ गई हूँ। हमने जो भी वहाँ पे साइट सीन करे हैं उसकी मैंने शॉर्ट वीडियो बना के डालूंगी मैं यूट्यूब पे, तो आप उसको देख सकते हैं। तो फटाफट से हमारा जो जैन दर्शन टॉपिक है वो शुरू करते हैं। चलिए, सो जैन दर्शन में याद रखने वाली चीज है, सबसे पहले आदि तीर्थंकर यानी कि आदि प्रवर्तक कौन है, तो ऋषभ देव। मोस्टली एमसीक्यू में जो क्वेश्चन में ऑप्शन आएंगे वो महावीर स्वामी का आएगा, इसलिए क्योंकि वो जो 24वें तीर्थंकर जो थे वो सबसे आखिर वाले जो तीर्थंकर वो महावीर स्वामी थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जैन धर्म का प्रचार उन्होंने किया था, इसलिए सब उन्हीं को जानते हैं, जिनका जो समय है वो 600 ईसा पूर्व का माना जाता है। लेकिन जो ऋषभ देव है वो सबसे पहले है, फर्स्ट है जिन्होंने जैन धर्म, आप बोलो कि जैसे समझो कि जैन धर्म या जैन दर्शन जो है उसकी शुरुआत करी थी। लेकिन जो महावीर स्वामी हैं, 24 के जो तीर्थंकर है, यानी सबसे पहले ऋषभ देव, उसके बाद में और 22 आए, और फाइनली फिर ये जो महावीर स्वामी 24वें नंबर पे आए, उन्होंने जैन धर्म का हाईएस्ट प्रचार प्रसार किया, इसीलिए उन्होंने जैन जो धर्म है उसको पुनर्गठन किया है, इसीलिए सबसे मेन उन्हीं के नाम से सब जानते हैं, महावीर स्वामी जी के नाम से। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अगर आदि तीर्थंकर है तो ऋषभ देव, और जो मेन तीर्थंकर कौन है तो महावीर स्वामी मोस्टली, लेकिन ऋषभ देव के बारे में नहीं पूछते हैं तो याद रखने की इतनी आवश्यकता नहीं है। इसको नास्तिक दर्शन बोलते हैं या आगम दर्शन बोलते हैं, ये मोक्ष की प्राप्ति को मानते हैं। सेम वे इसको अरहत दर्शन भी बोलते हैं एंड निराशावादी दर्शन भी बोलते हैं। निराशावादी दर्शन क्यों बोलते हैं ये अगर आपको जानना हो तो आप कोई भी यूट्यूब वीडियो में रेफर कर सकते हो। उसके बाद में जैन जो है वो जिन शब्द से आया हुआ है, जिनका मीनिंग होता है विजय प्राप्ति करना। ये कभी कभी एमसीक्यू में पूछते हैं कि जो जिन शब्द है उसका मीनिंग क्या है, तो विजय प्राप्ति करना। उसके बाद में मेरी जो नोट्स है उसमें लिखा गया है कि ये अर्धमागधी में लिखा गया है। अब अर्धमागधी क्या है वो मुझे पता नहीं है, मतलब वो कोई लैंग्वेज है या कोई जगह है या कोई टेक्निक है, मुझे कुछ नहीं पता है, बट ये मैंने एक इसको समझो कि एक सिंपल सा इसको याद रखने की कोशिश करिए कि जो जैन दर्शन है वो अर्धमागधी में लिखा गया है। फिर भद्रबाहु करके जो है उसने कल्प सूत्र को संस्कृत में लिखा है। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के बारे में बताया गया है। आचारंग सूत्र में जैन भिक्षु के आचार के बारे में बताया गया है, आचार के जो नियम होते हैं उसके बारे में। और महावीर स्वामी जो है उन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्राकृत भाषा में किया है, और उन्होंने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना करी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें सिर्फ मेरे हिसाब से एज ए स्टूडेंट तो हमको ये सब चीज़ें मन में बिठानी होगी या ठूसनी होगी या रट्टा मारनी होगी, जो बोलो वो, लेकिन एज ए स्टूडेंट तो हमको ये सब याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लेके हम लोग इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो ये आराम से याद रह जाएगा। अब इसका आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। तो आगे अभी हम देखेंगे जैन दर्शन में जितने भी नंबर्स है वो नंबर्स याद रखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले उसमें 2 प्रकार के जीव बताए गए हैं। कौन से 2 प्रकार के जीव है? संसारी एंड मुक्त। ठीक है, उसके बाद उसमें जैन दर्शन के 6 प्रकार बताए गए हैं। जैन दर्शन में 6 प्रकार बताए, बट अभी 6 प्रकार किसके वो मुझे नहीं पता है, तो मैं अभी यही समझ के चल रही हूँ कि उसी के अंदर 6 कुछ ऐसी चीज़ें दी होगी जिसमें 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है, 6 छेद सूत्र है, 1 नंदी सूत्र है एंड 1 अनुप्रयोग द्वार है। ठीक है, तो ये जो 6 प्रकार है फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुप्रयोग द्वार। उसके बाद में आते हैं 5 महाव्रत। 5 महाव्रत में जो पहले 4 है सत्य, अहिंसा, अस्ते, अपरिग्रह, इनके बारे में पार्श्वनाथ जी ने बताया था, और जो 5वां है ब्रह्मचर्य वो महावीर स्वामी ने उसमें ऐड किया था। ठीक है, तो जो पहले 4 है वो पार्श्वनाथ जी, और जो 5वां है ब्रह्मचर्य वो महावीर स्वामी ने ऐड किया था। और ये 5 जो महाव्रत है ये जो अष्टांग योग का जो यम पार्ट है उसको ये मिलते जुलते हैं, शायद से आगे एग्जाम में पूछते हैं तो
ये जो पांच महाव्रत है किससे मिलते हैं, तो अष्टांग योग के यम से। वो आगे आप अष्टांग योग पढ़ोगे तो अपने आप पूरा ये समझ जाओगे, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे त्रिरत्न, ठीक है, यानी तीन रत्न जो मोक्ष प्राप्ति के लिए है। तो कौन से तीन रत्न है? सम्यक ध्यान, सम्यक ज्ञान, सम्यक आवरण, ठीक है। यहाँ पे सम्यक कॉमन है इसलिए मैंने इसको बाहर लिख दिया है और बाकी तीन को ब्रैकेट में लिख दिया है। सम्यक ध्यान, सम्यक ज्ञान, सम्यक आवरण। तो अगर पूछते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के तीन रत्न कौन से है जैन दर्शन में, तो ये तीन है। फिर आते हैं उसमें पांच ज्ञान के प्रकार। तो पांच ज्ञान के प्रकार कौन से है? मति, श्रुति, अवधि, मन पर्याय एंड कैवल्य, ठीक है। और आठ कर्म है, उसमें दो प्रकार है, घात्य अघात्य। घात्य मतलब नाशवान, अघात्य मीन्स अनाशवान। तो घात्य में कौन से आएंगे? ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय, मोहनीय। और दूसरे में कौन से आएंगे? आयुष, नाम, गोत्र, वंदनीय। तो ये सारे जैन दर्शन के नंबर्स है जो इसमें दिए गए हैं, जो बिल्कुल याद रखने हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी समझने वाली बात तो नहीं है। तो इतना हम एज अ स्टूडेंट याद भी रख लेंगे तो भी बहुत ही अच्छी बात कहलाएगी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे आप ले सकते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बौद्ध दर्शन, और मैं लास्ट में जब चार्वाक दर्शन खत्म होगा तब मैं यहाँ पे एक फिर से चार्ट बना के यहाँ पे स्क्रीन में रख दूंगी चार्वाक दर्शन के एंड में, ताकि जितने भी दर्शन है उसका कुछ कन्फ्यूजन है तो वहाँ पे निकल जाए, ठीक है। तो ये बौद्ध दर्शन के लिए मिलते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक में।